अगर आपके शॉर्ट वीडियोस पर 1K 2K व्यूज आने के बाद में रुक जाती हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपके शॉर्ट वीडियोस पर मेरे शॉर्ट चैनल की तरह मिलियन में व्यूज आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे चैनल पर 5,00,000 सब्सक्राइबर है एंड 48 घंटे में 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहा है। मतलब कि मेरे पास वो वायरल ट्रिक है जिनकी वजह से जो है शॉर्ट वीडियोस वायरल होती हैं, और वही ट्रिक्स मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब देखिए गाइस, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड गाइस, अगर आपके चैनल पर 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और किसी भी रीजन की वजह से आप उसको बेचना चाहते हैं तो मैं खरीद लूंगा, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, बात करें कि शॉर्ट जो है वायरल कैसे होती है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, इस चैनल पर 5,00,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, सिर्फ 16 वीडियोस में। अबाउट में मैं आपको जाकर दिखाऊं तो ये जो है 15 दिसंबर को बनाया गया था, मतलब कि लगभग 6 महीने हुए हैं। ठीक है, तो इतना जल्दी ये चैनल जो है ग्रो कैसे हो गया, ठीक है, और मिलियन में व्यूज कैसे आ रहे हैं। 1 घंटे पहले मैंने शॉर्ट अपलोड किया तो आप देख सकते हैं 881 व्यूज हैं, और मैं आपको दिखाऊं इस चैनल पर तो डेली के डेली आप यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्राइबर जो है, मतलब 30 मई को 39,000 सब्सक्राइबर बढ़े। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आपके जो है डेली 1-2 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते होंगे। तो जब चैनल ग्रो होता है तो इसी तरीके से व्यूज आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके शॉर्ट्स पर 1K 2K व्यूज आने के बाद में रुक क्यों जाती हैं। तो देखिए, अपन दोनों चीजों को कंपेयर करके देखेंगे। मैं यहाँ पर कंटेंट में गया, ठीक है, कंटेंट में आने के बाद में मेरे इस वाले शॉर्ट्स पर 19 मिलियन व्यूज है। ठीक है, अब मैं आपको जो है रिसेंट करके दिखाता हूँ। तो रिसेंट में आप देख सकती हैं, 1 दिन पहले शॉर्ट अपलोड किया, 4,000 व्यूज है। अब 19 मिलियन वाले में ऐसा क्या है जो 4,000 वाले में नहीं है, वो इतना वायरल कैसे हुआ। तो देखो, इस पर मैंने क्लिक किया जिस पर 4,000 व्यूज है, तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो 36 सेकंड के शॉर्ट में 66% है, और लाइक्स आप देख सकती हो। ठीक है, अब जो अपना 19 मिलियन वाला है उसमें अपन देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, इसमें जो है 28 सेकंड का ये शॉट है। अब इसमें जो है ये कितना सेकंड वॉच किया है उसके लिए अपन को अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 22 सेकंड वॉच किया है, मतलब एवरेज जो है 82%, वो लगभग 66% था। समझ गए, तो आपको ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसके रीच में अगर अपन आए 19 मिलियन वाले के में, तो यहाँ पर जो व्यूड है ना वो 80% है। ठीक है, अब जो 4 मिलियन वाला शॉट है उसका आप यहाँ पर व्यूड देखना। ठीक है, 4K वाला, सॉरी 4 मिलियन नहीं, तो यहाँ पर इसका जो व्यूड है वो मैं रीच में जाके दिखाऊं तो 64% है। समझ गए, अब आपको भरोसा नहीं होगा, आप बोल रहे हो कि यार ये तो तुक्का है, वैसे ही हो गया होगा। तो मैं आपको और प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर इस वाले शॉट पर 16 मिलियन व्यूज है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसमें जो है अंदर गया, रीच में गया, तो रीच में जाके यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो व्यूड है वो 70% है। मतलब कि व्यूड जितना ज्यादा होगा और ऑडियंस रिटेंशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही शॉर्ट वायरल होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और चीज मैटर करती है कि लाइक्स वगैरह, मतलब कि आपके शॉर्ट पर जितने ज्यादा लाइक वगैरह होंगे, जितने ज्यादा कमेंट वगैरह होंगे, उतना ज्यादा शॉर्ट वायरल होगा। लेकिन आपने मतलब अपना पूरा ताकत लगा दिया, ठीक है, फिर भी आपके जो 1K 2K से ज्यादा व्यूज आ ही नहीं रहे, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो देखिएगा, इसमें बताता हूँ, कोई भी जो चैनल होता है ना उसका ग्रो होने का एक टाइम होता है। जैसे इस चैनल के एनालिटिक्स में मैं गया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, व्यूज वाले ग्राफ में यहीं से पता चलेगा, तो यहाँ पर मैं जो है ये इधर आकर लाइफ टाइम सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना कि ये जो है 15 दिसंबर से ये चैनल चल रहा था, ठीक है, तो ये उस टाइम पर जो है ग्रो नहीं हो रहा था। ठीक है, ये यहाँ तक, अब एकदम यहाँ पर आप देखो 15 मई को कुछ ऐसा हुआ कि ये जो है एकदम से इधर आप देख सकते हैं वायरल होने लगा। समझ रहे हो बात को, तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि आपको जो है मतलब मेहनत करते रहना है अपने चैनल पर। अब इस चैनल पर जो है आप बोलोगे कि यार ये मतलब इस पर जो है कम शॉर्ट डले हुए हैं, तो क्या 16 वीडियोस में ही 5,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर जो है और भी शॉर्ट्स डले थे जो कि डिलीट कर दिए, इसके कंटेंट को मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। और अगर इस तरीके का शॉर्ट्स आपको बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बना पाओगे, क्योंकि अगर इस चैनल पर ये वायरल हुए हैं तो हो सकता है अगर इसी टाइप के आप बनाओ तो आपके भी वायरल हो जाए। मैं आपको प्ले करके, मगर मच्छ भी इतना होशियार होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसका मालिक दोस्तों मोटर को चला देता है जो कि पानी के अंदर था, फिर उसके बाद जो हुआ उसको देखने के बाद तो आप भी हैरान हो जाओगे। फिर उसके मालिक बोलता है पानी के अंदर जाओ, मोटर को ऑन करके आओ, क्योंकि हमें इस पुल को ड्रिंक करना है, पानी को खाली करना है। मगर मच्छ जैसे ही पानी के अंदर जाता है,
कटे से पहले श्री राम के भक्त वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मगरमच्छ पानी से ऊपर आकर सिर डोला के कहता है मोटर चालू कर दिया। दोस्तों मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, इस बंदे ने क्या किया है कि एक मतलब सस्पेंस वाला शॉट है, ऑडियंस ने सोचा हो सकता है इसमें पता नहीं आगे क्या होगा, एंड मगरमच्छ था ठीक है, तो AI का वॉइस यूज किया था मैंने बात, और लाइक सब्सक्राइब के लिए जो है भगवान श्री राम के नाम पर लाइक सब्सक्राइब लिए थे, और ये मोनेटाइज नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है इसमें रियूज कंटेंट आ गया है AI की वॉइस की वजह से, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों आया। तो ये जो शॉट है ना वो मैंने आपको जो पॉपुलर शॉट है वो मैंने आपको दिखा दिया, अभी आपने जो है देख लिया होगा। अब मैं आपको इसी शॉट को दिखाता हूँ और ये कहाँ पे है, ठीक है रुको, यहाँ पर एक चैनल है कोची शॉर्ट्स नाम का, ठीक है ये मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ वो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है कोची शॉर्ट्स ये चैनल है ठीक है, इस पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, ये देखिए। दोस्तों मगरमच्छ भी इतना होशियार होता है मैंने कभी सोचा नहीं था, उसका मालिक दोस्तों मोटर को चला देता है। भाई है, इन्होंने ये वाला शॉट पहले अपलोड कर दिया और हमने जो है बाद में AI का वॉइस यूज करके अपलोड कर दिया, तो जो हमारा है उसमें ना आवाज हमारी है और ना ये जो वीडियो है वो हमारी है, इसीलिए इस चैनल पर जो है रियूज कंटेंट आ गया। अकेले उस वाले शॉट की वजह से नहीं आया, बाकी के इस चैनल पर जो जितने भी शॉट डाले हैं ना हमारे चैनल पर वो सभी जो है इसी टाइप के शॉट हैं, ठीक है जो कि पहले से यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं, ठीक है डाले हुए हैं, तो इसीलिए इस पर जो है रियूज कंटेंट आ गया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आपके चैनल पर बन के 2K व्यूज आ रहे हैं तो आपको कितने टाइम तक उस पर लगातार मेहनत करनी चाहिए जिससे कि वो जो है आपके शॉर्ट्स वायरल होने लगे। तो देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता, आप सिर्फ इतना करो कि आपसे जितने अच्छे हो सकें उतने अच्छे शॉर्ट्स बनाओ, मतलब कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगेगा, ठीक है। तो यही है कि रेगुलर मेहनत कीजिए, एंड देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब तक आप YouTube शॉर्ट के बारे में जानकारी नहीं लोगे आपको पता नहीं चलेगा कि शॉर्ट कैसे बनाने हैं, वायरल कैसे होती हैं, तो आप जो डालते रहोगे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पर जाओ और मेरी पिछले मेरे चैनल पर जो वीडियो डाली है ना उनमें से 10 वीडियोस को लगातार देखो, ठीक है, और आपको उनसे इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा ना कि मैं बता नहीं सकता। आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको जो है शॉर्ट्स चैनल पर किस तरीके से काम करना है, कैसे क्या ग्रो होगा। तो चैनल पर जाइए, पिछले वीडियोस को देखिए, अपन मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।